बिजनेस का जो भी माहौल हो, आवाज का दम कम नहीं होना चाहिए। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। बिजनेस में अगर अप डाउन नहीं होंगे तो सामान्य जो सरकार का जो बाबू होगा वो हो जाएगा। सो वी आर नॉट दैट, वी आर द बिजनेस पीपल एंड वी फेस अप्स एंड डाउन्स। वी हैंडल अप एंड ऑल्सो वी हैंडल डाउन्स। सज्जन जी गोयनका को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आपके कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए एंड ऑल द गुड थिंग्स यू हैव डन, यू हैव स्टार्टेड न्यू थिंग्स, फॉर दैट कंग्रेचुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। एंड ऑल्सो इनकमिंग प्रेसिडेंट चौधरी जी, जो सही माने में चौधरी जी हैं, तो उनको बधाई। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, और सभी पेपर ट्रेडर के जो साथी हैं वो आपको नया मार्गदर्शन दें, नई ऊंचाइयों के पर ले जाने में सहयोग करें। और आई कैन अश्योर यू ओनली फ्रॉम ऑल माय मिल्स एंड एसोसिएशन दैट वील ऑलवेज बी देयर विद यू फॉर द ट्रेड एंड बिहाइंड यू। वी मस्ट फील प्राउड दैट वी आर अटैच्ड, वी आर रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद द बिजनेस विच क्रिएट्स वंडरफुल इम्पैक्ट ऑन द नेचर। हमारे में ये क्यों एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम लोग पेपर ट्रेड से जुड़े हैं जो पोल्यूट करता है, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, ग्रीनरी को डैमेज करता है। इनफैक्ट दिस इज आवर ओन कॉम्प्लेक्स एंड वी नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस। वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस दैट वी डू मच मोर इन ग्रीनिंग द कंट्री। वी नीड टू से वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। आज तो बेरोजगारी की बातें इतनी होती हैं, वेयर आर वी टॉकिंग दैट वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल। वी शुड स्टार्ट टॉकिंग ऑन दिस। इनफैक्ट आई हैव बीन टॉकिंग इन द इंडस्ट्री फोरम एंड एल्सवेयर दैट वी हैव बिकम सो डिफेंसिव। ऑल द टाइम वी डिफेंड दैट नो नो सर, हम तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, हम तो पेड़ लगाते हैं। वाई शुड वी बिकम डिफेंसिव? वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट दिस दैट वी क्रिएट सो मच। वी क्रिएट ग्रीनरी, वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड वी क्रिएट सो मेनी थिंग्स फॉर द कंट्री एंड सोसाइटी एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। सो आई वुड से दैट ऑल ऑफ अस कॉम्प्लीमेंट टू यू ऑल दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड वी नीड टू फील अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग कि हम लोग और कुछ करते हैं। वी टॉक अबाउट द ग्रीनिंग, आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम, उनका भी मैं यही एक मीथ उनको क्लियर कर रहा था कि हम लोग कितने पेड़ लगाते हैं। द होल पेपर इंडस्ट्री ऑन एंड एवरेज 2.5 लाख एकड़ ऑफ प्लांटेशन वी डू एवरी ईयर। 2.5 लाख एकड़ में प्लांटेशन करना कोई आसान बात नहीं है। सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लांटेशन का जो बजट होता है, उनका जो एक कंपनसेटरी फॉरेस्ट का या प्लांटेशन का एफॉरेस्टेशन का बजट होता है, वो उनको हजारों करोड़ का बजट मिलता है, और वो हम जितना प्लांटेशन करते हैं उसका आधा प्लांटेशन भी नहीं कर पाते हैं, और हम बिना सरकार से कुछ लिए इतना प्लांटेशन करते हैं। तो हम लोगों की ये फीलिंग क्यों होती है? इनफैक्ट द सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट आर ग्रीन कवर वॉज 23% 5 years बैक, 23%, एंड नाउ द सर्वे हैज कम आउट दैट द ग्रीन कवर हैज इंक्रीज बाय 1%। And do you know that 1% green cover has happened because of what? It is because of tree out of forest. And the tree out of forest is done by paper industry, nobody else. So the government ka jitna plantation hota hai utna to unka forest cut gaya. Net addition jo hua wo paper industry jo plantation kiya usse hua hai. So hum log unko yahi, I was explaining him and to the government also we have been explaining this that you need to talk more on the tree out of forest rather than the afforestation. Kyunki aajkal forest ki samasya jitni hai, kaag
कागजों में हम जितना बोले डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की बात हम करते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, एट लीस्ट आई कैन से दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फार मोर प्रोएक्टिव ऑन दिस, दे आर पॉजिटिव, दे आर लिसनिंग टू अस एंड होपफुली समथिंग कैन हैपन नाउ ऑन द पॉलिसी फ्रंट एंड देर मे बी सम पॉलिसी डायरेक्टिव एंड पॉलिसी चेंजेस. बट हम उनको हर बार ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की जितनी बात कीजिए, अभी मोदी जी ने जब कॉप सम्मेलन जब हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, उनका ये वक्तव्य है कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इनटू ए प्रोडक्टिव लैंड और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट. ये उनका एक लेक्चर था, ये उनका मैसेज था एक कॉप सम्मेलन में. एंड वी आर राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर दैट वी वॉन्ट टू बी पार्टनर इन क्रिएटिंग दिस ड्रीम इन टू द रियलिटी. और लेकिन रियलिटी आप समझिए, जिस राज्य में भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई करके करने के बाद वहां काम करने जाते हैं वो ऑलरेडी एनक्रोस्ड है. आप किस पे प्लांटेशन करें, so the government whatever they talk on the plantation it's so difficult for them because the land is already encrossed, most of the land is already encrossed. So we are trying to find wherever there is a place we do plantation. So plantation is one, lekin some of more things we must talk. Dekhiye GST kafi ab rationalized ho chuka aur rationalized ho jayega aane wale samay mein. We need to be far more compliant to all the regulations. वो समय चला गया, बिल बनाना है नहीं बनाना है कैसे करना है बचाना है ये सब समय चला गया. And honestly, let me tell you, if we don't comply and if we still violate the laws, we will be spending more unproductive time in defending it. आप सब लोगों को मालूम है जब भी इनकम टैक्स वैट या जीएसटी कोई भी सर्वे कोई भी रेट कोई भी सर्च होती है अगले कितने सालों तक आपका टाइम बर्बाद होता है उस चीज को करने के लिए, कितने बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी अनप्रोडक्टिव एनर्जी उसमें लगानी पड़ती है. एंड कंपेयर टू दिस इफ यू स्पेंड द सेम एनर्जी इन क्रिएटिंग अ बिजनेस इन क्रिएटिंग अ गुड मॉडल फॉर द बिजनेस टू माय माइंड इट इज गोइंग टू बी फार मोर रिवार्डिंग. सो मोर एंड मोर वी नीड टू बी कंप्लायंट टू द ऑल द रेगुलेशन एंड रूल सो दैट वी हैव अ पीसफुल वे ऑफ वर्किंग द बिजनेस एंड वी प्रॉस्पर एंड वी डू अ गुड बिजनेस इन टाइम टू कम. The younger generation who is coming to the business in our own trade, आपके भी जो बच्चे हैं अब इस बिजनेस में आ रहे हैं वो जो जमाना था पहले वाला उस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहेंगे. They would not like to do all these कच्चा पक्का दो नंबर एक नंबर, they would not like to do. They would like to do a very straightforward. जो प्रोडक्शन हुआ जो सेल हुआ वो सेल हुआ, उससे जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट है. They don't understand any other number. They only understand very, very transparent, clear and straightforward business model. मेरा suggestion है, आप सब लोग बुजुर्ग हैं, मैं इस industry में नया हूँ, but I can only tell you that please read the writing on the wall. The next generation is going to do a business differently. And unless we change our business model, things will not be right and things will not happen in a correct perspective. So we need to change. India, क्योंकि इतना demand के point of view से इतना attractive market है, and we all know, any attractive market will attract lot of people. And when I say lot of people, the quality of people will be different. हर तरह के लोग आएंगे. When we open the door for the country in this, the connected world, there will be a good people, bad people. You cannot shortlist people ki main kisko allow karunga aur kisko nahi allow karunga. There will be number of people coming to this country because the market is so attractive. And there will be a competition. And the competition is bound to be there in any attractive market. Jahan customer hota hai, wahan competition aayega. Jahan demand hogi, wahan competition aayega. तो उस कंपटीशन में हम लोगों को सरवाइव करना है, हम लोगों को अच्छा करना है. सो वी नीड टू बी फार मोर एफिशिएंट इन सर्विंग अ कस्टमर. वो समय चला गया जब मैं अपनी इच्छा से माल बेचूंगा, वो समय था. आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है.
टायर ट्रेड में भी नहीं देखा और इस ट्रेड में भी नहीं देखा है। वो समय चला गया जब मैं अपनी इच्छा से माल बेचूंगा, नहीं मैं वही बेचूंगा जो कस्टमर चाहेगा और मुझे वैसे ही बेचना पड़ेगा जैसा कस्टमर चाहेगा। सो वी नीड टू बी फार मोर कस्टमर सेंट्रिक। हमको कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं, उसको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। और जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में वही सर्वाइव करेगा जो कस्टमर को समझेगा। आप लोग कस्टमर को ज़्यादा समझते हैं, हम लोग शायद मिल वाले कम समझते हैं, हमें भी अब समझना पड़ेगा। हमारी नींद भी खुलनी चाहिए, हमें भी जगना पड़ेगा। मैं काफ़ी लोगों हमारे लोगों को भी यही कहता रहता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर बेटर एंड बेटर इन टाइम टू कम। एंड द मार्केट इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव। और जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो टर्बुलेंस होती है। जब कॉम्पिटिशन नहीं होता तो टर्बुलेंस कहीं नहीं होती, और जब भी नॉर्मल मार्केट होता है तब भी टर्बुलेंस नहीं होती। तो टर्बुलेंस होगी जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, और ये टर्बुलेंस अब चलती रहेंगी। ये टर्बुलेंस है और ये टर्बुलेंस आएंगी और जाएंगी, समय ऊपर और नीचे आता जाता रहेगा। हमको बिजनेस मॉडल ऐसा बनाना है कि सम डे वी मेक डिसेंट प्रॉफिट, सम डे वी मेक लो प्रॉफिट, बट एट द एंड ऑफ द डे आप और हम अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे हम सस्टेन कैसे करेंगे? सो ऑल ऑफ अस वी नीड टू सस्टेन। आपका प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो आप भी बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मिल्स विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू मेक ए डिसेंट मार्जिन, एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मिल्स विल हैव टू मेक ए डिसेंट मार्जिन। अगर मिल्स नहीं रहेंगी तो आप पेपर किसका बेचेंगे, और अगर आप नहीं रहेंगे तो मिल्स पेपर कहाँ से बेचेंगे? सो बोथ ऑफ अस वी नीड टू सस्टेन, सर्वाइव एंड मेक डिसेंट मार्जिन। और आने वाले समय में हमको और एजाइल होना है, वर्सेटाइल होना है, आगे के फ्यूचर को रीड करना है इन एडवांस। सस्टेनेबल इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इंडस्ट्री इज फार मोर सस्टेनेबल। हमारे चैलेंजेस ये नहीं हैं, हमारे चैलेंजेस ये हम अपनी इमेज को ठीक करें कि हम सस्टेनेबल हैं।